नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो अपने पागलपन के लिए खूब जाने जाते हैं और देश विरोधी काम, हिंदू विरोधी काम करने में वो कतई पीछे नहीं हटते, चाहे वो रोशनी एक्ट का मामला हो, करप्शन के मामले में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला हो, या फिर जिस समय उनकी जम्मू कश्मीर में सरकार थी उस समय मास किलिंग का मामला हो, जेनोसाइड का मामला हो। आपको याद है 1989-90 का जब जेनोसाइड जम्मू कश्मीर में हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हुआ करते थे, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ। बाद में वो सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसा कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे वो तो दूध के धुले हुए हैं। कुल मिलाकर कई बार कांग्रेस ने ये गलती की कि उस परिवार को गिरफ्तारियों के बाद, देश के बाहर जाने के बाद बुलाकर मुख्यमंत्री बनाया और परिणाम हम सब देख ही रहे हैं। रोशनी एक्ट उन्होंने पास किया, लैंड टू द टिलर्स उनके बाप ने पास किया था और इसलिए पास किए थे ताकि हिंदुओं की ज़मीनों को किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में कब्जा किया जाए। मैं लगातार इस बात को कहता हूँ कि इस्लाम इज़ नथिंग बट अ भू राजनीतिक आंदोलन। इस्लाम एक भू राजनीतिक आंदोलन है। कुछ लोग जो नेतृत्व करते हैं वो सिर्फ इसके लिए ही काम करते हैं, बाकी तो मोहरे मात्र होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो केवल रिलीजन के नाम से दंगे फसाद या मौलाना मौलवियों या नेतृत्व करने वालों का साथ देते हैं जिससे उनका कोई लाभ नहीं होता, लेकिन रिलीजन के नाम से उनको भड़काया जाता है। लेकिन जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका उद्देश्य सिर्फ भू राजनीतिक कब्जा करना है, यानी कि भूमि पर कब्जा करना और राजनीति पर कब्जा करना। राजनीति पर कब्जा करने के बाद हत्याएं वो अपनों की ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हत्याएं केवल गैर मुसलमानों की करते हैं, हत्याएं वो अपनों की ही करते हैं। ऐसा मैं बारंबार कहता आया हूं कि शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये परिवार इस रास्ते पर चलता ही आया है। अब उन्होंने एक नया विवादित बयान दिया है, नया विवादित बयान उनको कश्मीर फाइल्स, जो उनके समय पर मुख्यमंत्री रहते हुए की एक घटना को, पूरे कश्मीर की घटना नहीं केवल एक घटना को दर्शाता है कि किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया था। अच्छा, दूसरी बात एक और है जो मुझे लगता है ध्यान देने की है, वो ये है कि जिस समय 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने 370-35A जम्मू कश्मीर का संविधान, वहाँ के लोकल लॉस को ख़त्म किया था और कानूनी रूप से पूरे देश में एक सा कानून लागू हो ऐसा संकल्प संसद में लिया था, उस समय इन सभी को, चाहे वो महबूबा परिवार हो या फिर वो अब्दुल्ला परिवार हो या वो हुर्रियत के लोग हों, इन सभी को नज़रबंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर की पुलिस से बंदूकें छीन ली गई थीं, उनको डंडे पकड़ा दिए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात जब मैं करता हूँ तो एक बात हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए कि अगर घाटी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आतंकवादियों का किसी ने आज तक किया है तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हालांकि बहुत सारे आतंकवादियों को मारा भी है, लेकिन वो माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से, चूँकि उनका उद्देश्य गलत होता है इसलिए वो माहौल ख़राब पहले करते हैं, यानी कि सेना जिस समय लगती है या अर्धसैनिक बल लगते हैं, अर्धसैनिक बल गिरफ्तारियां करने की स्थिति में होते हैं, तब तक जम्मू कश्मीर पुलिस चूँकि साथ में होती है वो गोली चलाकर उसको मार देते हैं ताकि आतंकवादी पकड़ा ना जाए। इसीलिए केंद्र सरकार को इस बात का आभास रहा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में अगर बंदूकें रहीं तो दंगे निश्चित रूप से हो जाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगते हुए या राज्यपाल का शासन लगते हुए सबसे पहला काम जो किया वो ये किया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों की या पुलिस वालों से हथियार छीन लिए थे और उनको डंडे पकड़ा दिए थे और कहा गया था जहां कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है वहां अर्धसैनिक बल काम करेंगे या फिर सेना काम करेगी, आपको गोली चलाने का अधिकार नहीं है, डंडे से जितना कंट्रोल कर सकते हैं वो कर लें। और इन कश्मीरी नेताओं को, जिन्होंने जेनोसाइड के जो जिम्मेवार हैं, जो जम्मू घाटी के अंदर पाकिस्तान सपोर्ट के जिम्मेवार हैं, जो हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को काट काट कर उसमें से जिहाद, लैंड जिहाद करते हुए ज़मीन निकालना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को उस समय नज़रबंद करके रखा गया था। परिणाम क्या निकला हमने सब ने देखा कि
दो वर्ष तक, लगभग डेढ़ वर्ष पौने दो वर्ष तक घाटी में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि केंद्र सरकार ने उसको क्लेम करना भी शुरू किया कि देखिए घाटी में कोई घटना नहीं हो रही, लेकिन इन नेताओं को जैसे ही रिलीज किया गया और कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी दिखाकर संसार भर को ये बताया गया कि कैसे 89-90 का जेनोसाइड हुआ, कैसे 89-90 का कत्लेआम जम्मू कश्मीर में किया गया और क्या योजनाएं थीं पाकिस्तान के सपोर्ट से, जिहाद के सपोर्ट से, या फिर जो अलगाववादी आतंकवादी ग्रुप वहाँ काम करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से जितनी ज़मीन बाहर कर लेंगे उतना ही हम दारुल इस्लाम की तरफ बढ़ जाएंगे, हिंदुस्तान में गजवाए हिंद कर लेंगे। ऐसे लोगों को ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने जब कहा कि ऐसा हमने कंट्रोल किया है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, ये जैसे ही मुक्त हुए, जैसे ही कश्मीर फाइल्स मूवी आई और देश भर को पता लगा, संसार में जो ये एक अच्छा सात्विक चेहरा दिखाते थे, कर्म करने के दूसरे और दिखाने के दांत दूसरे थे, वैसा संसार को जब पता लगा जहाँ विदेशों में इस प्रकार के ड्रामे करता था पाकिस्तान कि कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, कश्मीर के अंदर मुसलमान परेशान किया जा रहा है, कश्मीर के अंदर भारत गलत कर रहा है, जब ये संसार को पता लगा तो संसार की आंखें खुलीं। और चूंकि वो कश्मीर फाइल्स ओरिजिनल फाइल्स पर डिपेंडेंट थी, उस वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पर थी, वो न्यूज़पेपर्स की उस समय की कटिंगों के आधार पर बनी थी, इसलिए उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि वो गलत फाइल है, इसलिए ये कोई कोर्ट तो जा नहीं पाए। परिणाम आप जानते हैं कि और ये भी जानते हैं कि कितने धूर्त हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ और एक FIR नहीं हुई, एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। 2017 में मोदी सरकार ने जब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया तो मोदी सरकार ने धीरे धीरे करके मुकदमे दाखिल करने शुरू किए और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद 2019 के बाद वहाँ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। आप यासीन मलिक को देख सकते हैं कि किस प्रकार यासीन मलिक को उस समय के केसेस के लिए, टेरर फंडिंग के लिए जेल में है, मुकदमे चल रहे हैं, अभी तो मुकदमे और बाकी हैं जिसमें फांसी की सजा भी हो सकती है और होगी ही। लेकिन ये जो कश्मीर में ये इन्होंने कहा कि सब मारे जाएंगे, आप सोचिए कि सब मारे जाएंगे, किसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, किसको संदेश दे रहे हैं, क्या हिंदुओं को हड़का रहे हैं या मुसलमानों को सवल कर रहे हैं कि एक भी हिंदू घाटी में रह ना जाए, सरकार किसी की हो, आप टारगेट किलिंग कर सकते हैं, टारगेट करके हिंदुओं की हत्याएं कर दीजिए और वो अपने आप छोड़कर भाग जाएंगे। ये किसको कहने का प्रयास था, ये वही घटना दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं जो 89 में फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में सरकार रहते हुए उन्होंने इशारों में कश्मीर को हिंदुओं से खाली करवाया और कत्लेआम करवाया। आज वो सरकार में नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं और साथ में कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स मूवी को बैन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये मूवी चलती रहेगी तब तक इस तरह की घटनाएं चलती रहेंगी। क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि कश्मीर के अंदर ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग केवल नहीं हो रही। घाटी को अगर आप देखेंगे तो अमीरा भट्ट तो एक मुसलमान थी, उसको क्यों मारा गया? बारामूला में आतंकियों ने वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंक दिया, हालांकि उसमें एक हिंदू मारा गया, बाकी तीन मुसलमान भी उस चपेटे में आए, तो एक हिंदू तीन मुसलमान। आतंकियों ने पुलिस कर्मियों को गोली से मार डाला, क्या मामला था? राहुल भट्ट पंडित था लेकिन रियाज अहमद ठाकुर को गोली मार दी पुलवामा में पुलिसकर्मी को, ये कौन था? शोपिया में आतंकियों ने फायरिंग में लोगों को मारा, वो सब मुसलमान थे, वो किस लिए मारा? कुलगाम में संदू में पंचायत के सदस्य को गोली मारी और उसके अतिरिक्त बहुत सारे मुसलमानों को भी गोली मारी, आखिर ये कौन हैं? वहाँ का जो इतिहास निकल कर आ रहा है, वहाँ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन खबरों में अगर 20 लोग मरते हैं तो 5 से 7 हिंदू मरते हैं, 10 से 13, 10 से 12 मुसलमान मरते हैं, दोगने की लगभग संख्या रहती। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये टारगेट किलिंग केवल हिंदुओं के लिए? नहीं, ये आतंकवाद है, ये आतंकवादी किलिंग के नाम से, कश्मीर फाइल मूवी के नाम से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नाम से या जिहाद के नाम से
उन लोगों को मार रहे हैं जिनसे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनियां हैं। तो इस समय वो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनियां में निकाल रहे हैं। राजस्थान के एक मैनेजर को गोली मार दी, वो तो स्थाई नहीं था वहां, उसको गोली मार दी, किस लिए? ये सारा जो प्रकरण चल रहा है इसका सिर्फ एक सलूशन है, जम्मू कश्मीर के ये जो नेतागण हैं जिनके समय पर जेनोसाइड हुआ, जिनके समय पर रूबिया सईद को गिरफ्तार किया गया और कभी प्लेन छोड़ाए गए तो कभी आतंकवादी छोड़ाए गए तो कभी बहुत सारे इस तरह के काम हुए, इन सभी लोगों को आप केवल गिरफ्तार करके रखिए, संसार को मैसेज मत देखिए कि संसार में मैसेज क्या जा रहा है, ये लोग ही इन सब के पीछे की जड़ हैं। कहते हैं महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दे डाला कि भाई नरेंद्र मोदी जी तो क्लेम कर रहे हैं घाटी में घटनाएं नहीं हो रही और ये क्या हो रहा, क्या ये माना जाए कि वो घाटी में घटनाएं वो ये लोग करवा रहे हैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी जो क्लेम कर रहे हैं, भाजपा सरकार केंद्र की सरकार जो संसार भर में क्लेम कर रही है वो उसको झूठा साबित करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि नहीं वहां जिहाद आज भी चल रहा है। आप सोच कर देखिए ये सब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। है क्या कि देश भर में मौलाना मदनी की बात कर लें या बाकी मौलानाओं की बात कर रहे हैं, देश भर में इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब जो मुसलमान है वो मुसलमान को आप देखना नहीं चाहते, उसके रहन सहन को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी नमाजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी अजानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसका जो खान पान है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और आप जिनको ये बर्दाश्त ना हो वो पाकिस्तान चले जाएं, वो दूसरे देशों में चले जाएं, भारत छोड़ दें, भारत तो मेरी भूमि है। ये क्या ये बात बिल्कुल सच है जो कश्मीर में हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तरह के बयान देकर ये देश को एक अलग ही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और इनका सबका कारण एक है कि जो तुष्टीकरण भारत में हो रहा था, जो चालें चली जा रही थी, जो दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश हो रही थी, लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, जो हंस के हिंदुस्तान लेने की दिमाग में बैठा हुआ था कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, चाहे पॉपुलेशन बढ़ाकर, चाहे जमीन कब्जा करके, चाहे वक्फे बनाकर, चाहे मस्जिदें बनाकर, या रोडों पे नमाज पढ़कर, या रिसोर्सेज पर कब्जा करके, या गोलियां मारकर लोगों को पलायन करवाकर, लोग जेनोसाइड करके किसी न किसी तरह से हम कब्जा कर लेंगे। मोदी जी के आने के बाद वो पॉलिसी पूरी नहीं हो सकती, वो सब राज धीरे धीरे खुल रहे हैं, चाहे वो विदेशी फंडिंग का मामला हो, चाहे वो टेरर फंडिंग के मामले हों, और या फिर पीएफआई के 33 अकाउंट जो केंद्र सरकार ने अभी सीज किए हैं, ईडी ने सीज किए हैं, उनमें 100 करोड़ 200 करोड़ फंडिंग का मामला हो, हर मस्जिद से पैसा इकट्ठा होकर टेररिज्म के लिए इकट्ठा होने की चाहे बात कही जा रही हो, इन सब पर धीरे धीरे करके लगाम लग रही है। नोटबंदी करके सारा नोट कूड़ा बना दिया, फिर उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया, उसके बाद सबको लीगल सिस्टम में ले आए, और अब तो जो उस समय की गलत तरीके से वक्फे बनी हुई थी, जो गलत तरीके से एनिमी प्रॉपर्टियों को कब्जा करके रखा हुआ था, जो चाल चली जा रही थी, वो सारी चालें एक एक कर कानूनन उनकी विफल होती जा रही हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने पाला था कि 2040 तक 2050 तक हम कब्जा कर लेंगे, उससे पहले 2014 में ही मोदी जी बैठ गए और मोदी जी ने कानूनन उस पर काम करना शुरू कर दिया और खेल खुल खुल कर सामने आने लगे। हिंदू समाज 80% हिंदू समाज को बातें समझ में आने लगी, और वो जो 14% पॉपुलेशन के आधार पर वो तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी, सभी राजनीतिक दल टोपियां लगाए घूम रहे थे, सभी राजनीतिक दल रोजे इफ्तार कर रहे थे, सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े गमछे पहनकर घूम रहे थे, उनको समझ आ गया कि 80% पॉपुलेशन क्या चाहती है, देश को सुधारना चाहती है, देश में न्याय करना चाहती है, देश में न्याय देखना चाहती है। ये सब कुछ अब मोदी जी के आने के बाद चूंकि सुलभ होना शुरू हो गया है और सरकारों ने तुष्टीकरण करना बंद कर दिया है, न्याय प्रक्रिया की तरफ धीरे सही लेकिन चल रहे हैं, ताकि वो कहीं आग न लगे, कहीं सरकारें फंस न जाएं न्यायालयों के चक्कर में, कहीं सरकारें अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेना में न फंस जाएं, इसलिए सरकारें बड़े
सावधानी पूर्वक खेल खोल रही हैं, एक एक करके ख़त्म कर रही हैं। ये सब उसकी चिढ़न है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो वो करना चाहते थे वो हो नहीं पा रहा। जिनको वो कायदे आज़म कहते थे, जिन्ना, वो जिन्ना ने जो पॉलिसी बनाई थी कि वो हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा, अब वो पाकिस्तान बचाना भी संभव नहीं दिख रहा। और अगर मज़हब के आधार पर देश बनाकर ये मजहबी बेस होता तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना होता, क्योंकि दोनों के एक मजहब थे, फिर बांग्लादेश कैसे अलग हुआ? अगर मजहब के आधार पर देश चल सकते थे तो फिर बलूचिस्तान में आंदोलन ना चल रहा होता। अगर मजहब के आधार पर ये सब ठीक हो सकता था तो खैबर पख्तूनख्वा में सब ठीक ना चल रहा, सब गड़बड़ ना चल रहा होता, कराची में आंदोलन ना चल रहे होते, पूरे पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति न होती। अगर मजहब के आधार पर सब ठीक होता, इसका मतलब ये हो गया कि भारत का विभाजन जो मजहब के आधार पर हुआ वो पूर्ण नहीं हुआ, और मजहब के आधार पर विभाजन नेचुरल विभाजन नहीं था, वो एक प्राकृतिक विभाजन नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी, जो अब मोदी जी के आने के बाद सब विफल होतियाँ दिखाई दे रही हैं। 70 वर्ष के 3-4 पीढ़ियों के प्रयास अब ख़त्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए ड्रामेबाजी चल रही है, इसलिए अब उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस रास्ते पर बैठे हैं, आखिर वो क्या करें, वो क्या ना करें। मुझे लगता है कि देश को समझ आने लगा है और देश को साफ समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि देश में न्याय हो, और उस न्याय के लिए वो भी अपना 1-2 घंटा रोज निकाल कर उस प्रक्रिया में आगे बढ़े। वो केवल शहरी न रहे, ये न सोचे मैंने वोट दे दिया काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। आप सभी को थोड़ा थोड़ा सरकारों का सहयोग, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, करना ही होगा। सरकारें करना चाहती हैं, सब सुधारना चाहती हैं, लेकिन जनता के सहयोग के बगैर सरकारें नहीं सुधार सकती, क्योंकि जो मशीनरी है वो मशीनरी सपोर्टिव नहीं है। मशीनरी कांग्रेस की बनाई हुई है, वो मशीनरी आज भी 80% उनकी है, और मशीनरी केवल समय काटना चाहती है। इसलिए जनता को मशीनरी बनना पड़ेगा, जनता को वो डॉक्यूमेंट ढूंढने पड़ेंगे, जनता को वो फाइलें ढूंढनी पड़ेंगी, जनता को देश के सामने रखना पड़ेगा। मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ, आप मुझे अगर कोई इस तरह की बात भेजते हैं, मेरी टीम उस पर रिसर्च करती है, अंदर घुसती है, और फिर मैं देश को बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर क्या खेल खेले गए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमको भी मेल कर सकते हैं, लेकिन जनरल बातें मत लिखिए, डॉक्यूमेंट बेस्ड बातें लिखिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो हमको कहानी मत समझाइए, आपके पास एविडेंस है तो हमें भेजिए, हम देश को बताएंगे, हमारी टीमें देश को बताएंगी कि आखिर क्या क्या खेल खेले गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।